भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया से मिली शर्मनाक हार, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया निराश। यहां तक कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का टूट गया दिल, लेकिन पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों ने हमारी महिला टीम की हार पर उड़ाया मजाक और जहर उगलते हुए ऐसा बयान दिया कि आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पाएगा। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहाँ तक कि इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा। इन दिग्गजों का बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत की हार का सबसे बड़ी वजह क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 सबसे अधिक रोमांटिक खड़ी कर देने वाला मुकाबला भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 20 ओवरों में 151 रन बनाए थे। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन ग्रेश हैरिस ने 40 रनों की पारी खेली थी। वहीं भारत की तरफ से रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट झटके थे। बता दें कि टीम इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इस मुकाबले में जीत हासिल करना हर हाल में महत्वपूर्ण था। टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी हुई, शेफाली और स्मृति ने तेजी से रन बनाए, लेकिन शेफाली टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो स्मृति मंधाना ने भी 6 रनों का योगदान दिया, जैमिमा केवल 16 रन बना सकी। हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन दीप्ति 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। ऋचा घोष से लेकर पूजा, यहाँ तक कि अरुंधति और राधा कुछ खास नहीं कर सके। अंत तक हरमनप्रीत कौर मैदान पर टिकी रही, लेकिन 54 रन बनाने के बावजूद टीम की जीत नहीं दिला सकी और टीम इंडिया ये मुकाबला 9 रनों से हार गए। भारत के हार से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, यहां तक कि दर्शकों की आंखें नम हो चुकी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना एक बार फिर टूट चुका था। यहां तक कि भारतीय महिला खिलाड़ी भी बीच मैदान में फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने हमारी टीम की हार पर मजाक बना दिया और बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको इन दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। सबसे पहले वसीम अकरम ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि वाह, क्या शानदार खेल देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मुझे पहले से ही पता था भारतीय महिला टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, बेहद कमजोर टीम है, इन्हें तो हमारी टीम पाकिस्तान भी हरा सकती है। जीता हुआ मैच ये लोग हार गए, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। वहीं शोएब अख्तर ने भी मजाक उड़ाते हुए टीम इंडिया को कहा कि कितनी शर्मनाक हार भारतीय महिला टीम को मिली है, ये देखकर मैं बेहद खुश हूँ। हमने पहले ही सोचा था कि टीम इंडिया नहीं जीत सकती ये वर्ल्ड कप, और ठीक वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना आसान नहीं होता है, भारत हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, इसीलिए ये मैच जीत नहीं पाई। हरमनप्रीत के अलावा कोई भी खिलाड़ी रन नहीं बना सके, मुझे इंडिया की हार से बेहद खुशी है। साथ ही साथ शाहिद अफरीदी ने जहर उगलते हुए इंडिया के लिए कहा कि जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया टीम ने शानदार पलटवार किया, हारे हुए मैच को जीत गई, भारत को जबरदस्त धूल चटाई, एक बार फिर उनके सपने को तोड़ा, मुझे बेहद खुशी हो रही है। टीम इंडिया बेहद कमजोर टीम है, यह कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत की मेंस टीम जितनी मजबूत है उतनी कमजोर महिला टीम है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के घमंड को चूर चूर कर दिया, उनके सपने को एक बार फिर तोड़ दिया, ये देखकर मुझे काफी मजा आया। भारत की महिला टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है, वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। ऑस्ट्रेलिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय महिला टीम की हार पर मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तान दिग्गजों ने जमकर लताड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारतीय महिला टीम की हार का सबसे बड़ी वजह क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर भारतीय टीम के लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मुकाबला जीतने से टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है। सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ग्रेस हैरिस के साथ बैथ मोनी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आई रेणुका ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत ग्रेस हैरिस ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के साथ साथ अपना खाता खोला। मगर उसके बाद रेणुका ने शानदार गेंदबाजी की, पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया केवल 7 रन बना पाई। विकेट की तलाश में भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई श्रेयंका पाटिल खतरनाक गेंदबाजी कर रही थी। अपने जाल में ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों को फंसा कर रखा हुआ था, एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और श्रीलंका ने इस ओवर में केवल 2 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 9 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में रेणुका ठाकुर, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर रेणुका ने एक्स्ट्रा 5 रन देने दे दिए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर रेणुका ने शानदार वापसी करते हुए इसी ओवर की चौथी गेंद पर बैथ मोनी को राधा यादव के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 17 रनों के स्कोर पर मिल गई।
ग्रेस हैरिस का साथ देने के लिए मैदान पर अब जॉर्जिया वेयरहम आ चुकी थी, लेकिन रेणुका सिंह की अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गई और बैक टू बैक भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से मैच में पीछे चली गई, लेकिन ग्रेस हैरिस अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर कैप्टन ताहिल मैगराथ आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और तीन ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर केवल 18 रनों तक 2 विकेट पर बन पाया था। विकेट की तलाश में एक बार फिर हरमनप्रीत कौर ने बॉलिंग स्टाइल में बदलाव किया और गेंद चौथे ओवर फेंकने के लिए पूजा वस्त्रकर को थमाया और पूजा ने भी शानदार गेंदबाजी की। केवल 6 रन दिए 4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 24 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया। भारतीय महिला टीम मैच में हारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आई महिला खिलाड़ियों को मैच पलटना बखूबी आता है। भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेना बेहद जरूरी था। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आए रेणुका ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए महिला खिलाड़ी मैदान पर तरस रही थी। इस ओवर में रेणुका ने केवल 6 रन दिए और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 ओवर में केवल 30 रन 2 विकेट पर बना पाई। भारतीय महिला गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आई टीम की तरफ से श्रेयंक पाटिल, इनका स्वागत ग्रेस हैरिस ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पाटिल ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। एक एक रनों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तरसा दिया और केवल 7 रन दिए। पावर प्ले के 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों ने 37 रन 2 विकेट पर नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन अब भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। एक बार फिर हरमनप्रीत कौर ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और 7वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अरुंधति रेड्डी को थमाई। अरुंधति ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस ओवर में केवल 5 रन बना पाए। 7 ओवर में बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 42 रनों तक पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने तेजी से रन बनाना शुरू किया और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाकर 50 रनों की साझेदारी बना लिया। भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। 12वां ओवर हुआ, लेकिन टीम की तरफ से एक बार फिर राधा यादव आई और इस बार ओवर की अंतिम गेंद पर ताहिल मैगरा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 79 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। ग्रेस हैरिस अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब एसलीट गार्डनर आ चुकी थी, लेकिन तब तक हैरिस भी अपना विकेट खोकर पवेलियन लौट गई और भारतीय टीम को बड़ी सफलता 92 रनों के स्कोर पर मिल गई। अंत में एलिस पेरी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर तहलका मचाया। वहीं फॉबी लीचफील्ड ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 151 रनों तक पहुंचा दिया और भारत के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय महिला टीम को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा आई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आई मैगन सूट शैफाली वर्मा ने पहली गेंद पर 2 रन बटोर कर टीम का खाता खोला, तो वहीं स्मृति मंधाना ने भी 2 रन बटोर कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ओवर में टीम इंडिया ने 5 रन बटोर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई गार्डनर, उनकी कुटाई शैफाली वर्मा ने जमकर कर दी। अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आई एक बार फिर मैगन शूट और इस ओवर में भी शैफाली वर्मा का बल्ला जमकर दहाड़ा। तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोरे और टीम को 3 ओवरों में 25 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम को विकेट की तलाश थी। चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर गार्डनर और आधे इन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर शैफाली वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 26 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। शैफाली टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन स्मृति मंधाना अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब जैमिमा आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 29 रन बन पाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5वां ओवर लेकर आई सुथरलैंड की जैमिमा ने जमकर कुटाई कर दी। ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर टीम को 5 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम की पारी संभलती हुई नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में लेकर आई सोफी मेलिनिक्स और आते ही इन्होंने ओवर की पहली गेंद पर स्मृति मंधाना को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। 39 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। मैदान पर खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर जैमिमा का साथ देने के लिए आ चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 41 रनों तक पहुंच पाया। 7वें ओवर में जैमिमा ने भी अपना विकेट खो दिया और भारतीय टीम को 47 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। लेकिन हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी कर रही थी। इन दोनों ने मिलकर मैदान पर ऐसा कुछ किया जिसके बाद तो ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और फिर दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय महिला टीम में इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंस